हेलो एवरीवन, चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज शाम आपके पार्टनर को आपकी याद ने रुला दिया क्या। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर रोए जरूर होंगे। बस मैं वही चेक करना चाहती हूँ कि आज शाम जो है आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी, यानी कि ये जो पर्सन है रो तो नहीं रहे थे। ठीक है, क्योंकि तकलीफ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन तकलीफ में, कहीं ना कहीं ये पर्सन तकलीफ में जरूर होंगे। ठीक, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस, या फिर ये पर्सन का क्या है आज शाम का सीन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको देखना चाहती हूँ। ओके, फोकस करते हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर जो है ना, अपनी चीजों के बारे में, यानी कि अपने रिलेशनशिप के बारे में, इनको ऐसा फील हो रहा है आज शाम को फील हो रहा था कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग सा कनेक्शन है, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग यूं ही नहीं मिलके बैठ गए कि हाँ चलो ठीक है, हम अनजाने में मिल गए हैं तो अनजाने में ही बातें हो रही हैं। सो ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि यार हम दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, हमारा ईश्वर ने कनेक्शन जोड़ के भेजा है, तभी हम दोनों मिले हैं, और हम दोनों के मिलने का पर्पस कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को आपकी जो इतनी ज्यादा याद आ रही है, मैंने कहा ना कि ये पर्सन आज शाम को रो रहे थे, है ना। यहाँ पे देखो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, एकदम से क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है ना आज शाम को बहुत अकेलापन फील हो रहा था, और ये पर्सन रोए हैं, तकलीफ में आकर रोए हैं। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द हर्मिट का कार्ड है, रोएंगे ही रोएंगे। इन्होंने खुद से ही गलती की है, खुद से ही गलती, यानी कि आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे गलती कर बैठे हैं, दिल गलती कर बैठा है। ये पर्सन मजबूरी में नहीं, ये जानबूझकर के गलती कर चुके हैं ये पर्सन। ठीक, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रक्स की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा रुके रुके से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये पर्सन कंफ्यूजन में भी दिख रहे हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में कि इनको क्या करना है। इनको इंतजार करना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए, यहाँ पे रिलेशनशिप को खत्म होता हुआ समझ लेना चाहिए, डरता हुआ, मतलब कि सिर्फ डरना ही चाहिए या एक्शन भी लेना चाहिए, इनको करना क्या है। ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीजन इनका मेकिंग सही नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते ये पर्सन, बिना आपकी हेल्प के डिसीजन ले पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनके लिए। और ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस क्लियरली दिख रहे हैं कि आज शाम को इनका रोता हुआ सा चेहरा, उदास चेहरा ये पर्सन लिए हुए खड़े थे, सबसे दूर, किसी से बात नहीं कर रहे थे, ना किसी दोस्त, ना किसी यार, किसी से बातें नहीं कर रहे थे ये, बस अकेले बैठे गुमसुम अपनी दुनिया में मस्त मगन हुए, है ना। ये पर्सन का दिख रहा है आज शाम इनका अच्छा नहीं गया है आज शाम। ये पर्सन एक तो कंफ्यूजन में रहे हैं, और ऊपर से इनका दिल टूटा है, ये रो रहे थे पर्सन। यहाँ पे इनको अकल आ रही है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, यहाँ पे हाथ मिलाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कुछ चीजें इनको भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। दोनों बर्दाश्त करोगे तब जाके होगा बैलेंस ये रिलेशनशिप, वरना एक बर्दाश्त कर रहा है और एक जुल्म ढाए जा रहा है, नहीं होगा ना। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर को बहुत अकेलापन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अकेलापन, और इस अकेलेपन को खत्म आप कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन अभी फिलहाल कंफ्यूजन में है, बट ये पर्सन एक्शन ले लेंगे आपके लिए। ठीक है, सो ये है आज की रीडिंग आपकी, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।